एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में मिस्टर जॉनसन नाम के एक बुद्धिमान और दयालु गुरु रहते थे। वह अपनी निष्पक्षता, करुणा और अपने सेवकों के साथ व्यवहार करने के तरीके के लिए जाने जाते थे। उनके नौकरों में जैक नाम का एक युवा और वफादार लड़का था। जैक एक मेहनती और मेहनती नौकर था। उन्होंने मिस्टर जॉनसन को न केवल अपने गुरु के रूप में बल्कि एक संरक्षक के रूप में भी सम्मान और प्रशंसा की। मिस्टर जॉनसन जैक के समर्पण से अवगत होने के कारण उसे विश्वास और अखंडता के बारे में एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का फैसला किया। एक सुनहरी सुबह मिस्टर जॉनसन ने जैक को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया और कहा, जैक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं एक लंबी यात्रा पर जा रहा हूँ और मुझे चाहिए कि तुम मेरी कीमती चीजों की देखभाल करो। यह रहा एक बॉक्स, मेरे सारे कीमती गहने हैं। मुझे भरोसा है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, तब तक तुम अपने प्राणों की परवाह किए बिना इसकी रक्षा करोगे। जैक अपने गुरु के भरोसे के स्तर से चकित था। उन्होंने बड़े सम्मान के साथ जिम्मेदारी स्वीकार की और किसी भी कीमत पर बॉक्स की रक्षा करने का वादा किया। मिस्टर जॉनसन गर्मजोशी से मुस्कुराए और अपनी यात्रा के लिए निकल गए। दिन हफ्तों में बदल गए और जैक ने दिन रात इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए कीमती बॉक्स की ईमानदारी से रक्षा की। एक दिन अध्ययन कक्ष की धूल झाड़ते समय जैक ने गलती से बॉक्स को टेबल से गिरा दिया। यह एक जोर की आवाज के साथ जमीन पर गिर गया। घबराते हुए जैक ने नुकसान का आकलन करने के लिए जल्दी से बॉक्स खोला। उसकी राहत के लिए एक छोटे से हीरे के हार को छोड़कर, जो कई टुकड़ों में टूट गया था, सभी गहने अपनी जगह पर लग रहे थे। जैक तबाह हो गया था। वह अपने मालिक की संपत्ति की रक्षा करने के अपने कर्तव्य में विफल रहा था। श्री जॉनसन की निराशा से भयभीत जैक ने एक योजना तैयार की। उसने गांव में एक कुशल जौहरी की तलाश की, जो बिना किसी को देखे हार की मरम्मत कर सके। आखिरकार उन्हें एक बुजुर्ग जौहरी मिला, जो अपनी शिल्प कौशल के लिए प्रसिद्ध था। जैक ने जौहरी से संपर्क किया, स्थिति की व्याख्या की और उसकी सहायता के लिए अनुरोध किया। जौहरी स्थिति की गंभीरता को समझ गया और मदद करने के लिए तैयार हो गया। बड़ी चतुराई और धैर्य के साथ उसने हार की मरम्मत की, जिससे वह नया जैसा दिखने लगा। मरम्मत किए गए हार को वापस बॉक्स में रखकर जैक मास्टर के अध्ययन कक्ष में लौट आया। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करने का फैसला किया। कई हफ्ते बीत गए और मिस्टर जॉनसन आखिरकार अपनी यात्रा से लौट आए। वह अपने घर को सुव्यवस्थित और अपनी संपत्ति को अक्षुण्ण पाकर प्रसन्न था। जब उसने मरम्मत किए हुए हार को देखा तो वह हैरान रह गया। जैक के अपराध बोध को भांपते हुए उसने उसे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। जैक, मेरे वफादार नौकर, मैं देख सकता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति के दौरान कुछ हुआ, मिस्टर जॉनसन ने हार को देखते हुए कहा। पछतावे से अभिभूत जैक ने पूरी घटना कबूल की, यह बताते हुए कि कैसे उसने गलती से हार को तोड़ दिया था और इसे गुप्त रूप से ठीक किया था। जैक के आश्चर्य के लिए मिस्टर जॉनसन ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और कहा, जैक, आप न केवल एक वफादार नौकर बल्कि ईमानदारी और ईमानदारी के व्यक्ति भी साबित हुए हैं। मैंने आपके चरित्र का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर टूटा हुआ हार रखा है और आप पास हो गए हैं। आपकी वफादारी, समर्पण और ईमानदारी दुर्लभ गुण हैं और मुझे आपको अपने नौकर के रूप में पाकर गर्व है। जैक की आंखों से राहत और आभार के आंसू छलक पड़े। उन्होंने ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और अपनी गलतियों को स्वीकार करने के महत्व के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा था। उस दिन के बाद से जैक और मिस्टर जॉनसन का बंधन और भी मजबूत हो गया। उनकी कहानी गांव में सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, जो उन्हें अपने रिश्तों में विश्वास
वफादारी और ईमानदारी के महत्व की याद दिलाती है।